नमस्कार, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल भाई संदीप। दोस्तों, आज एक गाड़ी होंडा लियो जिसको हमने खींच कर लाया है, तो ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी, बहुत बुरी कंडीशन इसकी, देख रहे इसमें झाला भी लग गई है। तो इसमें क्या है कि ना ही करंट दे रही है, ना ही मतलब कुछ भी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो इसको हम स्टार्ट करते देखते क्या क्या प्रॉब्लम इसमें, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रही है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो हमने इसका सारा पार्ट हटा दिया है, इस ऊपर का टंकी, सीट पैनल। अब इसमें चलते हैं। सबसे पहले तो आपको करंट इसमें चेक करा दें। यहाँ पे हमारी चाबी ऑन है, देखिए चाबी हमारी ऑन है, फिर भी हमारी क्या है कि इसमें करंट नहीं आ रही है। देखिए, चलिए रुक जाइए एक मिनट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस ये जो बैटरी है पुरानी हो चुकी है, काफ़ी दिन से बाइक रखी हुई थी, तो सबसे पहले हम बैटरी रिप्लेस करके उसके बाद से इसमें देखेंगे हेडलाइट में न्यूट्रल जल रही है या नहीं इसमें मीटर में। तो हम इसमें बैटरी इसका चेंज करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका एक बैटरी पुराने वाली बैटरी निकाल दी है, नई वाली बैटरी डाल दी है। जब तक पुरानी बैटरी थी तो इसमें करंट नहीं आ रही थी। अब देखिए, हमने बैटरी का पावर हटा दिया है तो इसमें करंट नहीं आ रही है। यहाँ पे चाबी ऊपर दिखाइए, ऊपर चाबी के पास चाबी हमारी आन है, देखिए चाबी हम बता रहे हैं, एक मिनट वहीं पर दिखा रहे हैं डिस्प्ले में, देखिए चाबी आन है हमारी। अब हम क्या करें, बैटरी कनेक्शन इसमें हटा दे रहे हैं, फिर हम करंट चेक कर रहे हैं। देखिए करंट नहीं आ रही है। अब बैटरी कनेक्शन जैसे लगाएंगे, यहाँ दिखाओ बैटरी कनेक्शन लगाते हुए। हाँ चलो, हाँ वहाँ पर दिखाओ, ऐसे पकड़े रहना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे करंट, देखिए दिखाई दे रहा है ना। देखिए करंट इसमें आने लगा, यानी कि जब तक बैटरी का पावर मिले तब तक चल रही है। इसके मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से फॉल्ट है तभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वरना बिना बैटरी के भी हमें करंट मिलती है। तो हम सबसे पहले चलते हैं मैग्नेट साइड से चेक करते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो आइए मैग्नेट छोटका पेचकस दे रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्टिंग लेंथ की मदद से मैग्नेट साइड का करंट चेक करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको हम दिखा दें, इसमें आपको मिलेंगे टोटल चार वायर, दो वायर एक साथ और एक वायर अलग और एक वायर अलग। तो आप देख सकते हैं, ये हो गई हमारी पिकअप कॉइल की, ये भी कटी हुई है, ये हो गई हमारी पिकअप कॉइल की, ये हमारा हो गया अर्थिंग, सॉरी ये वाला हो गया हमारी न्यूट्रल लाइट की, ये वाला हो गई हमारी लाइट जैसे कि चार्जिंग की और हेडलाइट जो चलाती है वो, ये हो गई हमारी अर्थिंग। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इसमें करंट चेक करते हैं। एक अर्थिंग में और एक सफ़ेद वाले वायर में डाल दी हमने। अभी आप हम किक यूज करेंगे, जाओ किक मारो तो अभी। सही है, ठीक है, बराबर मारो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारी अगर चाबी ऑन रहे तो भी कोई मतलब नहीं, ऑफ रहे तो भी कोई मतलब, यहाँ से हम बंद कर देंगे चाबी, चाबी निकाल के हम यहाँ पर रख दिए तो भी काम करेगी। मारो, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, चलो हटो। देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी वाले मोड पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डीप की साउंड आने लगी, उसके बाद से इसमें एक प्रोप में डालेंगे। अब एक प्रोब को कहीं से बॉडी अर्थिंग दे देंगे, देखिए सिग्नल यानी कि हमारी पिकअप कॉइल भी सही है। ठीक, मैग्नेट साइड का तो काम हो गया, अब हम चलते हैं सीधा चार्जर की तरफ। अब क्या है कि इसमें हम देखिए, ये चार्जर हमारी, चार्जर को हमने निकाल दिया बाहर। आप इस साइड देख सकते हैं, एक ग्रीन है और एक वाइट है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रही है, थोड़ा इस पर क्लिक करते रहो। देखिए ये वाइट है, ये हरा है। ठीक,
इधर देखेंगे तो एक पीला है एक रेड है, रेड में दो वायर है, पीला में एक वायर है। तो पीला चली जाती है हेडलाइट पे, रेड चली जाती है बैटरी चार्जिंग पे, वाइट मैग्नेट साइड से आती है ये वाली वायर, और ये वाली वायर तो अर्थिंग है जो ग्रीन कलर की है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें पहले चेक करना है कि मैग्नेट साइड से पावर आ रही है कि नहीं। तो हम इसका पहले जो कपलर बाहर निकली हुई है ये वाली, इस कपलर को पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ पे हमने ये नीचे वाला साइकिल लगा दिया है। अभी आप हम क्या करेंगे, सीधे चार्जर पे चेक करेंगे, हमें और कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं। हमें पता है जब हमारी बाइक बैटरी लगाने स्टार्ट हो रही है इसके मतलब रेगुलेटर में ही फॉल्ट होगा, ताकि इसीलिए हमारी बैटरी कनेक्शन हटाने पर पावर कट जा रही है। तो हो सकता है वायर भी कटी हो या रेगुलेटर ख़राब हो, इसकी जानकारी कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वाइट कलर की वायर जो आ रही है मैग्नेट साइड से उसमें, और एक जो ग्रीन कलर की वायर है उसमें डाल के ये चेक करेंगे यहाँ तक हमारे मैग्नेट की पावर आ रही कि नहीं। यहाँ पे बैट कनेक्ट वहाँ पे दिखा रहा है, मीटर पे दिखा रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमारी मैग्नेट साइड से पावर आ रही है, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, ये जो रेड कलर की वायर देख रहे उसमें, और ये जो ग्रीन कलर की वायर है उसमें। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उसमें लगा के। तो आपको एक चीज़ दिखा दें, देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया, अच्छा इसमें क्या है, रेड पर जब लगाने पे टेस्टिंग लैंप तो कभी जल रही है कभी छोड़ रही है। इसके मतलब यह कि चार्जर सही है, हो सकता है इसमें जंग लगी हो। एक बार इसको साफ करके फिर हम ट्राई मार के देखते हैं। करंट देखिए, करंट दिखाओ, मारो तेज के, करंट नहीं आ रही है ना, एक बार और दिखाओ बढ़िया से, नहीं आ रही। अब एक मिनट यहाँ पर दिखाओ, जैसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे अर्थिंग में इसको दे दिए, ठीक। हाँ अब दिखाओ, अबे दिखाओ पहले यहाँ पे, देखिए करंट आने लगी, इसको लगाते इसमें करंट आ जा रही है। चलो स्टार्ट करो, तो यहाँ पे करंट दे रही है, ठीक। अब जैसे अब फिर किक मारो, आप मारो, देखिए करंट गायब हो गई, करंट गायब हो गई, मारो, देखिए इसको हमने निकाल दिया, करंट गायब हो। चाबी दिखाओ, चाबी पे, चाबी देखिए हमारी ऑन है। यहाँ पर न्यूट्रल लाइट पे दिखाऊं, जैसे बैटरी कनेक्शन दे रहे हैं न्यूट्रल लाइट ऑन हो जा रही है, देखिए न्यूट्रल लाइट हमारी ऑन हो गई, ठीक। अब क्या, जैसे इसको हम निकाल दे रहे हैं टेस्टिंग लैंप को, ये हमारी क्या हो रही है, पावर इसके छोड़ दे रही है। अब हम क्या करते हैं, चार्जर में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। सबसे पहले चार्जर के और पिन के सॉकेट को अच्छी तरह से धुल लेते हैं, उसको लगा के फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम खत्म होती है। देखिए यही वाला चार्जर है, बैटरी कनेक्शन छूटी हुई है, फिर भी हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है। इसमें क्या था कि जंग लग गया था, उस तरफ पावर नहीं दे रही। अब देखिए यहाँ पे करंट भी हमारी शो करने लगी है, वही चार्जर है, उसका पावर हटा दिया हमने। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे करंट भी आ रही है, पेट्रोल डालो बाबू, बस क्या था, इस रेगुलेटर में जंग लग गई थी। यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें जंग लगी थी, जब हमने इसको खोल के इसमें चेक किया फिर लगाया तो इसमें करंट आने लगा। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारी बाइक बिना बैटरी के भी स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद।